हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। जी हाँ, दरोगा भर्ती को लेकर एक बोर्ड ने अभी अभी नोटिस जारी किया है और वहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि इन सभी छात्रों के आवेदन निरस्त किए जाते हैं। क्यों किए गए हैं और किन छात्रों के किए गए हैं, कितने छात्रों के किए गए हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाली है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करके अन्य छात्रों तक जानकारी पहुंचा दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें अगली वीडियोज़ के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, 15 नवंबर 2021 को यह नोटिस जारी किया गया है, जहां पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक और नागरिक पुलिस महिला पुरुष प्लाटून कमांडर की जो भर्ती हो रही है उनके पदों पर यहाँ पर बताया गया है कि एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। और इस आदेश को आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि ऐसे 553 अभ्यर्थियों की सूची जिनके नाम समान होने की स्थिति में बोर्ड स्तर पर परीक्षा के उपरांत ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा की तिथि व परीक्षा जनपद आवंटित किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि 2408 अभ्यर्थियों की सूची जिनके द्वारा एक से अधिक आवेदन किया गया था, यानी दो आवेदन किए इन्होंने, उनका अंतिम आवेदन स्वीकृत करते हुए उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा जनपद आवंटित किया गया। ठीक है, पॉइंट है कि अंतिम आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात ऐसे 2426 शेष अभ्यर्थियों की सूची जिनके एक से अधिक आवेदन होने पर बोर्ड द्वारा विचार के उपरांत उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। तो अब ऐसे अभ्यर्थियों के यहाँ पर आवेदन निरस्त किए गए हैं और बताया गया है कि अगर कोई आपत्ति है, अगर उपस्थित होकर कोई प्रार्थना पत्र आप दे सकते हैं, अभ्यर्थीगण को सूचित किया जाता है कि इस आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से जो सूची प्रदर्शित की गई है उसका पहले अवलोकन कर लें, फिर इस पर आप कुछ भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दो बार आवेदन किया है, एक से अधिक आवेदन किया है, तो ऐसे छात्रों के जो आवेदन है वो पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए हैं।